हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे आलू सैंडविच। आलू सैंडविच खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए देख लेते हैं आलू सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमने 9 छोटे साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, 6 ब्रेड हमने लिया है, थोड़ी सी हरी धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। आइए मसालों में देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। जीरा हम लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला हम लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, चाट मसाला लेंगे 1/4 छोटा चम्मच और नमक स्वादानुसार। तो चलिए आलू सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे और इसमें आलू को हम हाथों से फोड़ लेंगे। तो ये देखिए, आलू को हमने हाथों से ऐसे पीस लिया है। तो चलिए इसे अब हम फ्राई करते हैं। तो आलू फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। हमने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, प्याज, अब हम इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, प्याज हमारी भुन चुकी है, अब इसमें हम आलू डालेंगे। गैस को अब हम लो फ्लेम पे कर देंगे और थोड़ी देर ऐसे ही चलाते हुए आलू को फ्राई करेंगे। अब इसमें हम सभी मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, इसे अच्छे से मिला देंगे। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप लाल मिर्च ना मिलाएं, या बच्चों को बना रहे हों तो भी मिर्च ना मिलाएं। इसे लगभग हम 5-6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ऐसे ही चलाते हुए। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम हरे धनिया डाल देंगे और मिला देंगे। अब हमारा आलू मसाला पूरी तरीके से तैयार है। अब इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम ब्रेड में आलू लगाते हैं। तो हमें चम्मच से ले करके और ऐसे लगाना है बढ़िया। ये देखिए, ऐसे बढ़िया हमें चारों कोने तक अच्छा से बढ़िया सा फैला के लगाना है। अब इसके ऊपर हम दूसरा ब्रेड रख देंगे और इसको अलग रख देंगे। अब चलिए और बनाते हैं। ऐसे हमें आलू को लगाना है। तो चाट मसाला हम इसमें लगाना भूल गए थे। तो चाट मसाला हम ऐसे ऊपर से ऐसे लगा देंगे और फिर जो है ब्रेड रखेंगे। तो जो पहले वाला था उसमें भी हम चाट मसाला लगा देंगे। चाट मसाला आपको ऐसे ऊपर से ही लगाना है। फ्राई करते समय चाट मसाला आपको उसमें नहीं डालना है। अगर उसमें डाल देंगे तो चाट मसाले का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ऊपर से ही चाट मसाला आपको लगाना है।
तो ये देखिए सभी ब्रेड में हमने आलू लगा दिया है। तो चलिए इसे अब हम तवे में सेक लेते हैं। तो ब्रेड को सेकने के लिए हमने तवा गैस पर रख दिया है और इसे हम देसी घी से सेकेंगे, उससे हमारा सैंडविच का टेस्ट बढ़ेगा। तो चलिए देसी घी अब हम तवे में लगा देते हैं। अब इसमें हम ब्रेड को रख देंगे। जितना इस तवे में आएगा उतना हम ब्रेड को लगा देंगे। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए एक तरफ हो गया है, इधर अभी कम हुआ है, तो इसको हम बाद में भी इधर पलट देंगे। ये वाला देखिए हो गया है, हल्का सा देसी घी किनारे किनारे से डाल देंगे। तो चलिए इसमें से जो सैंडविच हमारा फ्राई हो गया उसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म आलू सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। अब आप लोग भी बनाइए और खाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको देखने को मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।